नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू मनी मैटर्स बात करेंगे आज बंधन बैंक लिमिटेड के ऊपर आज से तीन महीने पहले इस स्टॉक पर एनालिसिस करी थी हमने इस वीडियो में जहां पे हमने बात करी थी कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट कैसा बन सकता है किन प्लेयर्स के लिए है क्या सेफ प्लेयर्स के लिए है या रिस्की प्लेयर्स के लिए वो सारी चर्चा हमने करी थी एक बार उसका रिव्यू लेंगे और आज की डेट में बंधन बैंक में क्या हो सकता है बिकॉज स्टॉक ऑलमोस्ट दो रुपए के नीचे चल रहा है इसको तोड़ने के बाद लगभग डेढ़ सौ के आसपास नए सपोर्ट की तैयारी दिखती है तो क्या कर सकते हैं क्या एनालिसिस बनता है आज की डेट में क्या ये वैल्यू बाय बनने वाला है या फिर कंपनी खराब होने वाली है सारा एनालिसिस समझना होगा हमें लेकिन ध्यान रखिए इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके क्वेश्चंस हो या आपके कमेंट आते हैं बंधन बैंक का नंबर लगा है जल्दी आपके स्टॉक का नंबर लगेगा एक कमेंट बहुत आता है दैट इज जीओ फाइनेंस लिमिटेड जल्दी उस पे वीडियो आने वाला है थोड़ा सा मुझे समय दीजिए जल्दी उस पे आपके सामने एक नया वीडियो मिल जाएगा और इसके अलावा जो स्टॉक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए जो डिस्कशन हो उसको अपने एडवाइस के साथ डिस्कस करिए नहीं कर सकते तो खुद की बुद्धि विवेक से का काम ले सकते हैं पहले चलते हैं लास्ट वीडियो में सुनते हैं आखिर बात हुई क्या थी इन लेवल्स के नीचे स्टॉक का रहना हमेशा नेगेटिव रहा है और जब भी स्टॉक इस लेवल को काट के ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव होगा पिछले काफी महीनों से स्टॉक इसी टेरिटरी में है इस लेवल को काट नहीं पाया अब अगर काटने आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ करना चाहता है वहां स्विंग भी बन सकते हैं ट्रेड के लिए मोमेंटम भी बनेगा और शायद कुछ होता हुआ हमें नजर आए तो अपने रडार पे रखने लायक स्टॉक ये बनता हुआ हमें दिख रहा है तो 270 सेवेंटी यहां पर भी इंपॉर्टेंट लेवल है 272 का इस रेंज को भी आप ऐसे समझिए यहां पर स्टॉक ने कई बार इस लेवल के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करी फर्स्ट टाइम यहां सस्टेन किया तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव ही नेगेटिव रहा है तब से और ये दिक्कत क्रिएट कर रहा है अब वापस अगर इसके ऊपर आता है तो अगेन ये जो वापिस मोमेंट पकड़ने की तैयारी करेगा तो वीकली चार्ट भी अगर देखा जाए तो अभी क्या है फिलहाल तो बेयर्स की ग्रिप में है तो अभी फिलहाल बेयर्स की ग्रिप हम लिख सकते हैं बेयर्स के ग्रिप में है लेकिन 272 के ऊपर ये क्या हो जाएंगे इस ग्रिप से बाहर निकल जाएंगे ये आप नोट डाउन कर लीजिए हो तो ये सारी चीज थी जो बंधन बैंक के ऊपर क्वेश्चंस आए थे उसकी एनालिसिस कैसे क्या कर सकता है क्या नहीं नो डाउट दिस इज अ रिस्की बिजनेस टोटली रिस्की बिजनेस अब मेरा एक डिस्क्लोजर मैं आपको देना चाहता हूं मैं इस कंपनी में फिलहाल कोई भी ट्रेड या इन्वेस्ट अभी नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग मेरे पास है और स्विंग ट्रेड में इस लेवल के ऊपर जरूर इसको देखना चाहूंगा अगर उस टाइम फंड अवेलेबल हुआ तो अगर फंड नहीं हुआ तो शायद मैं ना भी देख पाऊं लेकिन फिलहाल इन्वेस्टमेंट मोड में मैं फिलहाल नहीं जा सकता ऑलरेडी मेरे पास बैंकिंग के काफी स्टॉक्स है आप लोगों को पता भी है तो मैं नया एक बैंकिंग स्टॉक नहीं ले सकता अगर स्विंग मिली तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट और स्विंग में मानो हमने कोई प्रॉफिट कमाया तो मैं उस प्रॉफिट को इसमें इन्वेस्टेड छोड़ देता हूं जो कि मेरा स्टाइल है आप लोगों को पता है तो जैसा हमने क्लियरली सुना हमारी बात हुई थी कि जब स्टॉक 272 के ऊपर निकलता है तो एक बॉटम आउट के इंडिकेशन भी रहेंगे और स्टॉक में एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है दिसंबर में हमने बात करी थी अभी देखते हैं देखिए जब हमने बात करी थी तब स्टॉक यहां पर था लगभग इस इन प्राइजेस के आसपास 236 के आसपास था तो दो सौ 35 के आसपास प्राइस था हमने बात करी थी 272 के ऊपर ही मूवमेंट है तभी हम क्लियरली कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि बुल्स की ग्रिप बन चुकी है तब तक बुल्स की ग्रिप नहीं बनी है और किसे लेने के लिए है ये ये जो रिस्की प्लेयर्स है सिर्फ उन्हें देखना चाहिए कि हाफ उनको अगर यहां लेना है तो वो देखेंगे बाकी हाफ जब कोई बड़ी खराब न्यूज आए या कुछ हो तो डेढ़ सौ के आसपास आता है तो सोचे रिस्की प्लेयर्स को सेफ प्लेयर्स का तो बिल्कुल काम का नहीं है अब कौन 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 रिस्की है सेफ वो कौन क्लियर करेगा हमारी खुद की रिक्वायरमेंट क्लियर करती है क्या ये ऐसा बैंक है जो आपका पैसा कई गुना कर सकता है फिलहाल की डेट में ध्यान रखिए रिस्की प्लेयर्स है अगर हाफ तो ही आप उसके लिए सोचिए यानी इसमें वही पैसा डाल के अगर आप बैठे हो जो रिस्की है जिसे डूबने पर आपको कोई दिक्कत ना हो उसी के लिए सोचिए डूबने से याद आया किसी ने मुझे कहा कि बंधन बैंक डूब जाएगा क्या बंधन बैंक डूब जाएगा क्या देखिए मुझे यह चीज बड़ी सुनने को मिलती है डूब थोड़ी जाएगा बैंक डूब जाएगा क्या सॉरी मैंने डूब लिख दिया वेट ये डूब है कि यहां पे यह बैंक जो है वो डूब थोड़ी जाएगा तो देखिए मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ किसी बैंक का डूबना और किसी बैंक का रिटर्न देना दोनों अलग अलग चीज है डूबेगा तो यस बैंक भी नहीं लेकिन क्या वो

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी इसने जो है वो ईवाई को बोला है ईवाई क्या है ऑडिट फर्म है इसको बोला है कि तुम तेईस हजार करोड़ का जो लोन है बंधन बैंक का उसकी कर दो भैया ऑडिट अच्छा ऐसा क्यों क्योंकि इस लोन के बदले में बंधन बैंक मांग रहा है इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस मांग लिया गवर्नमेंट से कि अगर ये पैसा नहीं आया तो पैसा तुम दोगे गवर्नमेंट को बोल रहा है तुम दोगे अब गवर्नमेंट को यह डाउट है यानी इनको गवर्नमेंट को डाउट है हु इज इज ई गवर्नमेंट है यह गवर्नमेंट है इसको डाउट है कि ये जो बंधन महाराज है ना इन्होंने इन्होंने क्या किया है ये लोन दिखाया फर्जी यानी ये रिकवर हो चुके हैं लेकिन ये इसके चक्कर में और डबल पैसा हड़पने की तैयारी में है कौन बंधन बैंक ऐसा कर सकता है किसको डाउट है गवर्नमेंट को तो किसको बोला ऑडिट फॉर्म को ऑडिट फॉर्म कौन ई उसको बोला कि तू ऑडिट कर कितने करोड़ क्योंकि ऑडिट है वो तेईस हजार करोड़ की ऑडिट है और बहुत सारे खातों की ऑडिट होगी उसके बाद ये बताएगी गवर्नमेंट को कि सही है या गलत है तो इससे दो चीजें होंगी कि यहां पर अगर ये रिपोर्ट सही निकली कि ठीक है बंधन बैंक एकदम नीट क्लीन क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है तेईस हजार करोड़ का उसने डिमांड किया वो सही किया यानी जो इंश्योरेंस का कर रहा है वो सही कर रहा है तब तो बंधन बैंक हो जाएगा शूट अप तब तो इसमें तेजी बनेगी ये ध्यान में रखिए लेकिन अगर यहां पर इश्यू आ गया कि बंधन बैंक ने कराया गपला घोटाला और या फिर करी है बढ़िया तरीके से बदमाशी तो बंधन बैंक की गवर्नमेंट जो बैंड बजाने की तैयारी करेगी कि तो इधर आ ंड में जाते हैं तो हमें यह समझना होगा कि अब हमारे पास पिक्चर बड़ी क्लियर आने वाली है मतलब बंधन बैंक के लिए एक कहते हैं ना कि अग्नि परीक्षा वाली घड़ी वो आ चुकी है वो मिल गई है कि ये होने वाला है तो हमें इसका ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने ऐसा ऐसा किया है अगर आप पूरी न्यूज देखना चाहें तो ये पूरी न्यूज है आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या प्लानिंग कर रही है और बंधन बैंक के साथ ऐसा क्यों हो रहा है अब बात करते हैं कि आज की डेट की सिचुएशन क्या है देखिए फंडामेंटल एनालिसिस हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके जो तीन महीने पहले हमने किया था हमने वहां डिस्कस किया था कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की वीकनेस क्या है सारी चीजें डिस्कस करी और देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग अगर कंपनी की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती तो शेयर आज आपको इतना डाउन नहीं मिल रहा होता और दो के नीचे नहीं होता जो स्टॉक कभी सात के ऊपर भी बिखा है वो दो के नीचे नहीं होता दिस इज वेरी क्लियर थिंग जो आपको भी पता और मुझे भी पता है लेकिन अब देखिए आज की डेट में चार्ट्स क्या बोल रहे हैं वो भी हमें एनालाइज करना है बहुत से लोग चार्ट पे एनालिसिस से सहमत होते हैं कई लोग सहमत नहीं होते तो जिनको चार्ट एनालिसिस देखने में इंटरेस्ट है वो वीडियो में आगे बने रहे समझे कि यहां पे क्या कंक्लूजन निकल सकता है मैं काफी हद तक चार्ट को इंपोर्टेंस देता हूं जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था कि इस लेवल के ऊपर ही तेजी है तब तक तेजी की उम्मीद मत करिए ये सिर्फ और सिर्फ रिस्की प्लेयर्स जो होंगे वो इसके नीचे देखें सेफ प्लेयर के लिए इसके ऊपर आने के बाद एक छोटा स्टॉप लॉस बनेगा उसके बाद में स्टॉक के लिए 295 से 300 और 325 से 330 और 350 से 60 की रेंज के जो लेवल्स है वो ओपन हो जाएंगे इस लेवल के ऊपर लेकिन फिलहाल वो ओपन है क्या फिलहाल नहीं है तो इसीलिए शेयर नीचे है आइए फिलहाल बात करते हैं स्टॉक के ट्रेंड को समझते हैं अगर वीकली ट्रेंड की बात करूं तो दिस इज द वीकली ट्रेंड आपको यहां पे चार्ट पे नजर आ रहा होगा स्टॉक ने देखिए यहां एक अच्छा खासा बेस बना रखा था अराउंड टू वन जीरो पे पे लिख देता हूं रुपीज दो, दो पे एक अच्छा खासा बेस था उसको तोड़ के स्टॉक नीचे आया है तो कम से कम अब स्टॉक को ये लेवल और यहां पर एक रेंज बनेगी 210 से 220 अब स्टॉक 220 के ऊपर आता है तब जाके इसमें बैरिशनेस खत्म होगी तब तक बैरिशनेस खत्म नहीं है नीचे के सपोर्ट में बात करें तो वन और उसके बाद में 155 के आसपास की जो रेंज होगी वो एक सपोर्ट बनेगी तब तक कोई सपोर्ट भी हमें नजर नहीं आता है तो ये हमें पता चला कि राइट नाउ ट्रेंड क्या है ये डाउन ट्रेंड है नेगेटिव है हमें पता चल रहा है वीकली चार्ट पे अगर मंथली चार्ट इसका खोल के हम बात कर ले सो लुक एट द मंथली चार्ट यहां पर आप ध्यान से देखिए इस चीज को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो कोविड का मंथ था ना इसके हाई और लो के अंदर स्टॉक जो है अभी भी कैप्ड है इसके ऊपर निकले अगर मानो अब फ्यूचर में कभी जाके यहां पर इस लेवल के ऊपर तब जाके कोई नई तेजी बने और इसके नीचे आता है तो फिर नई मंदी के आसार हो सकते हैं या फिर यहां पर वैल्यू बाय निकल के आएगी अब उस टाइम पे मार्केट क्या सोचता है वो हमें देखना है फॉर एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करिए मान लीजिए स्टॉक इस प्राइस के आसपास आता है और यहां से नीचे जाके वापिस ऊपर आता है तो समझ लेना कि उसका बॉटम जो है वो डन हो चुका है ये बात मैं आपको आज ही बता रहा हूं ऐसा टेक्निकल पैटर्न बहुत देखने को मिलते हैं जब कोई बड़े लेवल पे स्टॉक का जो है वो लेवल था वहां पर उस लेवल को कटवाया यानी वो काटा अब उस टाइम पे सारे ट्रेडर इन्वेस्टर एग्जिट करते हैं और करना भी चाहिए रियलिटी है ये करना भी चाहिए लेकिन वापस जब ऊपर आता है तो यहां पे कुछ बफर होता है कुछ परसेंटेज का जैसे मानिए 155 का लेवल है तो वापस एक के ऊपर आए तो री एंट्री बनती है अब वो री एंट्री की हिम्मत सारे ट्रेडर इन्वेस्टर में नहीं होती जिस दिन वो इसके ऊपर आता है फिर से नई तेजी बनती है और स्टॉक का ये जो बॉटम होता है वो डन हो जाता है ये ऐसे ही बॉटम डन होते हैं अब इसमें ऐसा होगा नहीं होगा वो अलग बात है बट एजुकेशन के लिए इसको समझिए मंथली चार्ट के ट्रेंड की बात करें तो लुक एट दिस ये एकदम क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड है कम से कम इस लेवल ऊपर आना ही पड़ेगा वरना और नेगेटिविटी होगी और मोर वीकनेस हो जाएगी आपकी इस लेवल के बिलो जो कि वन एट्टी रेवन के आसपास है इसके नीचे मोर वीकनेस है तो यहां पे कोई डिसीजन आप बना सकते हो क्या बाय का नहीं बन सकता फिलहाल अगर मैं इसको आपको डेली चार्ट पे दिखाना चाहूँ सो लुक एट दिस दिस इज द डेली चार्ट आप देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक है और कोई रेस्पेक्ट उसको नहीं मिल रही है तो एक खराब है लास्ट वीडियो में बताया था कि जब इसके ऊपर निकलेगा तब देखना तब स्विंग होगी अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पहले मैं बात कर लेता हूँ जो ऑलरेडी मान लीजिए जिनके पास लिया हुआ होगा ऑलरेडी किसी के पास बैंक है तो वो क्या कर सकते हैं यहां पे? देखिए ऑलरेडी अब आपका किस प्राइस पे वो डिपेंड बहुत करेगा किसी के पास ऊपर से किसी के पास यहां किसी के यहां वो डिपेंड करेगा बस इतना ध्यान रखिए अगर आपके पास इस रेंज के आसपास का है तो आप इस चीज को मान के चलिए आप चाहते हैं कि नहीं और डाउन साइड नहीं देख सकते तो फिर वन के लेवल का ध्यान रखिए आपको लगता है कि नहीं मैं और डाउन साइड देखने को तैयार तो हूँ नीचे अक्यूमुलेट कर सकता हूँ तो फिर वेट करिए 155 160 का तो उन्हें इस चीज का ध्यान रखना है क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर भी ऐसा कर रहे हैं और इन बातों को आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने एडवाइजर के साथ भी तो यह रहेगा उनके लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है हम बात कर लेते हैं कि यार ऑलरेडी ऊपर से इन्वेस्टेड है तो वो तो क्या ही कर सकता है इतने टाइम में क्या कर लिया तो अब क्या ही कर लेगा तो बैठे रहने में ही और कुछ है भी नहीं बात कर लेते हैं फ्रेश इन्वेस्ट बनता है क्या सेम मैं आपको कहूंगा ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स अगर देखना चाहे तो कुछ क्वांटिटी लेकर नीचे के डिप पे अगर देखना चाहो तो देख लो रिस्की प्लेयर्स के लिए वो भी कैसे एक बार में नहीं एक्यूमुलेट के मोड में अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं भाई साहब रिस्की है भयंकर वाला ये ध्यान में रख लेना सेफ प्लेयर्स के लिए क्लियर नो सेफ के लिए नो, no, बिल्कुल भी नहीं नो no बनता है और मैं अपने आप को इसी कैटेगरी में रखता हूं बताना चाहूंगा स्विंग बनेगी तो डेफिनेटली उसके लिए जाएंगे स्विंग से मानो हमने कोई प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट्स को ऐसे रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो वो प्रॉफिट आपको रिलैक्स माइंड से इस कंपनी को होल्ड करने की कैपेसिटी देता है वरना आप ऐसी कंपनीज़ को होल्ड नहीं कर सकते दिस इज रियलिटी और ये चीज़ें अगर हम समझ ले तो हमारी स्टॉक मार्केट जर्नी काफ़ी आसान हो जाए वरना देखिए जो लोग हवाबाजी करते हैं उन लोगों ने तो बंधन बैंक जब यहाँ था तब भी कहा होगा एक साल के अंदर चार गुना दिखा दूंगा किसी ने यहाँ भी कहा होगा एक साल के अंदर दस गुना दिखा दूंगा किसी ने यहां भी कहा होगा अब की बार देखना पार हो जाएगा तो ऐसी हवाबाजी में कुछ नहीं रखा ध्यान से देखेंगे तो तीन चार साल हो गए इसी एक बड़ी कैंडल के अंदर जो है बंदर में कैप्चर हो रखा है कुछ नहीं है रिटर्न जीरो बट टाल है कोई मतलब नहीं है तो बेटर ये होगा कि टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करो उनको रेस्पेक्ट दो अगर करना चाहो तो तो मैं 272 के ऊपर आता है तो मैं स्विंग के लिए सोचूंगा फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है बाकी रिस्की प्लेयर है कोई तो मेरा सेम व्यू है कि भाई रिस्की प्लेयर इसमें अक्यूलेट करना चाहे तो फिर देखिए बट रिमेंबर उसमें ये मान के चलना कि टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन अच्छा खासा हो सकता है और रिटर्न की उम्मीद बड़ी करना मत क्योंकि रिस्की का मतलब फिर रिस्की है आई होप पंदर मिनट के ऊपर आपको समझ आया होगा क्या हो सकता है क्या नहीं सारी एनालिसिस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करी और देखिए कंपनी में अगर इतने इश्यूज़ नहीं होते तो कंपनी यहां पे ट्रेड नहीं कर रही होती कंपनी में जरूर कुछ इश्यूज है सुधार हो सकता है इस उम्मीद में अगर कोई बाय कर रहा है तो रिस्की प्लेयर होना चाहिए बाकी के लिए टू सेवेंटी टू इम्पॉर्टेंट ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आइए डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिलेगी और आपका किसी स्टॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइए वेब एनालिसिस की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिलने के साथ ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी डिटेल मंगा सकते हैं या अपना कॉल शेड्यूल आप करा सकते हैं चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेके आप हमारे लाइव चैट ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं जहां सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिस्कशन होता है और अगर आप ब्रेकआउट चार्ट चाहते हैं ऐसे चार्ट चाहते हैं जहां पे ब्रेकआउट या रिवर्सल आने वाला है उसके लिए आपको एस टी पी चार्ट स्कैनर ज्वाइन करना होगा आई होप आपको ये सारी चीज पसंद आई होगी किसी तरह का कोई भी डाउट हो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत